सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आज बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 6% की एक और लोकेशन के बारे में जो कि बिरौंदी के नाम से जानी जाती है। बिरौंदी में भी 6% के किसान कोटा आबादी प्लॉट लगा हुआ है। अगर मैं इसकी लोकेशन आपको बताऊं तो आप मान के चलिए सेक्टर 36-37 यानी कि RHO1 RHO2 स्वर्ण नगरी सेक्टर हो गया आपका, ओमिक्रोन 2 सेक्टर हो गया, इस तरह से सारे रेजिडेंशियल सेक्टर के बीच की लोकेशन है। बहुत बड़ी लोकेशन नहीं है मगर ये है कि बीच की रेजिडेंशियल सेक्टर की लोकेशन है, अच्छी खासी लोकेशन आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और सेक्टर्स के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंशियल की सोसाइटीज़ भी है, उनके नाम भी मैं भी आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ इसकी बिल्कुल एडजॉइनिंग में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की, तो परी चौक से कनेक्टिविटी अगर आप इसकी देखोगे तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास की परी चौक की कनेक्टिविटी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। डेल्टा फर्स्ट मेट्रो स्टेशन इसका नियर का मेट्रो स्टेशन है जो कि 1.5 किलोमीटर में आप कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर एक्सप्रेसवे की बात करी जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप कवर कर सकते हैं। साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको लगेगा यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कवर अप कर सकते हो। एडजॉइनिंग में आती है 130 मीटर वाली वाइड रोड जो कि ग्रेटर नोएडा की मेन कनेक्टिविटी रोड को जाना जाता है, जिससे आपकी गाज़ियाबाद और साथ ही साथ आपकी इधर नोएडा की कनेक्टिविटी इजी हो जाती है बिल्कुल इसी मेन रोड से 130 मीटर वाली से, वो बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग में आती है। कनेक्टिविटी लोकेशन की बहुत अच्छी है, बहुत प्राइम है। साथ ही साथ अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के बीच की लोकेशन है, तो रेजिडेंशियल के भी पर्पज़ से आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। बाकी सेमी कॉमर्शियल के तो ऑप्शन इनमें होते ही हैं कि आप कोई भी रेजिडेंशियल के लिए भी अगर परचेजिंग करते हैं तो उसमें आप हाफ सेमी कमर्शियल भी यूज़ में ला सकते हैं, यानी कि कोई मिनी उद्योग तक भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। इसके बाद अगर मैं इसकी नियर की सोसाइटीज़ की बात करूँ तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी LDCO ग्रीन विडोज़, LDCO रेजिडेंसी, दिल्ली पुलिस सोसाइटी, गेल सोसाइटी, साथ ही नियर में इसके गोदरेज गोल्फ ग्रीन विलास भी देखने को मिलेंगे। इस तरह से कई सारी सोसाइटीज़ हैं जो बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग में आती है। मार्केट प्राइस की बात करें तो सबसे पहले साइज़ यहाँ की मैं आपको बता दूँ कि 120 मीटर से लेके 750 मीटर तक तो कॉमन साइज़ है। उसके बाद कुछ लोगों की बड़े प्लॉट की भी रिक्वायरमेंट आती है तो आपको और बड़े में भी 1000 मीटर 150 मीटर के आस 1500 मीटर के समथिंग भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल सकते हैं। मिनिमम रेट की बात करें तो मतलब आप मान के चलिए कि यहाँ पे 50,000 रुपये का रेट आप मिनिमम के हिसाब से मान सकते हैं, यानी कि 50,000 से 55,000 रुपये के बीच का पर स्क्वायर मीटर का एक मिनिमम रेट है, एवरेज रेट है बड़े प्लॉट में। यानी कि आप 500-700 मीटर के आसपास जाना चाहते हैं तो लगभग 50,000 के आसपास का रेट आपको मिल जाएगा। जो मैं ये स्टार्टिंग एक रेट बताती हूँ ना, मिनिमम आपको 50,000-55,000, किसी वीडियो में 45,000-50,000 तक बताया, ये जो बड़े साइज के प्लॉट हैं उनके मैं रेट बता रही हूँ कि बड़े साइज के प्लॉट मिल सकते हैं, मिनिमम ये रेट है। मैक्सिमम में रेट आपके नीचे, जितना आप छोटे प्लॉट में जाओगे रेट उतना बढ़ता चला जाएगा, सबसे छोटे साइज का सबसे बड़ा हुआ रेट आपको मिलेगा। तो मैं एक मिनिमम रेट बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे आप मान के लिए 50,000 के आसपास में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन साइज, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किस तरह की चीज़ आ रही, किस लोकेशन की है, क्या फैसिलिटी है उस पर्टिकुलर प्लॉट की, उसके अकॉर्डिंग उसका रेट रहता है। सेम प्रोसेस है ट्रांसफर का, रजिस्ट्री का, उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, वो करा सकते हैं आप यहाँ पे। 13,650 रुपये का यहाँ पे आपको सर्कल रेट देखने को मिल जाएगा, इस सर्कल रेट से आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट, कोई क्वेरी आती है यहाँ पे सेल परचेज की रिगार्डिंग तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर हाजिर होते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।